नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पहली बार बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब से, यानी कि आप लोग घर पर रहकर किसी भी कंपनी के लिए काम करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जिनके लिए आप लोग घर पर बैठकर काम करके पैसे कमा सकते हैं, ऐसे कौन कौन से काम है जो आप लोग घर पर रहकर भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है और इस वजह से कहीं भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट या प्राइवेट वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। अगर कोई भर्ती आ भी रही है तो कोरोना वायरस की वजह से अर्जेंट रिक्रूटमेंट होती है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होती है और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होने के साथ साथ उसमें एक लिमिटेड सीट वैकेंसी ही आती है, यानी कि 10 से 15 या 20 या फिर मान के चले कि जितना बड़ा लोकेशन है, कंपनी है, हॉस्पिटल है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्कर्स की जरूरत होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एक सोल्यूशन देंगे कि आप लोग घर पर रहकर किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करके जॉब कर सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग केवल 5वीं, 8वीं या फिर 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और लॉकडाउन के अंदर आप लोग घर पर रहकर एक अच्छी सी जॉब करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग A to Z डिटेल में पूरी जानकारी कवर करेंगे, कौन सी कंपनी है, कौन सा काम है, कैसे आप लोग आवेदन करेंगे और कब तक में जॉब मिलेगी और सैलरी क्या रहेगी, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि मैं ncs.government.in की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कैरियर सर्विस। इसी के अंतर्गत आपको जॉब मिलने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सही अवसर सही समय। इसके बाद अगर आप लोग नीचे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम की बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आपको दी जाएंगी जिससे आप लोग काम को सीख भी सकते हैं और अच्छे से कर भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन है, कैटेगरी वाइज जॉब है। जैसे कि यहाँ पे क्या चाहते हैं आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करिए कि आप लोग जॉब चाहते हैं, यानी कि काम चाहते हैं, लोकल हेल्प चाहते हैं, काउंसलर, स्किल प्रोवाइडर या कैरियर सेंटर। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप लोग फाइंड जॉब वाले बटन पे क्लिक करके अपने यहाँ पे जो भी पोस्ट चाहिए होगी, टोटल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बता सकते हैं किस सेक्टर में जॉब करेंगे, ऑल जॉब्स यहाँ पे आ जाएंगी, पोस्टेड डेट और पोस्टेड डेट यहाँ पे आ जाएंगी, किस डेट से लेकर किस डेट के लिए जॉब आ चुकी थी। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अगर आप लोग यहाँ पे स्टेट वाइड वैकेंसी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जहाँ पे वैकेंसी देखने को न मिले। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पे 12,217 पदों पर वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है वर्क फ्रॉम होम के लिए। आप लोग इन सभी भर्तियों के लिए घर बैठे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के बारे में तो 8,334 पदों पर, महाराष्ट्र में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 21,140 पदों पर वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। दोस्तों, ये वो कंपनीज होती हैं जिनका लॉकडाउन के अंदर काम बंद है, इसीलिए वो अपने लिए यहाँ पे कैंडिडेट ढूंढ रही हैं कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको काम की ज़रूरत है, घर पे बैठे हुए हैं और वो लोग घर पे बैठ के काम कर सकते हैं और उनको वो सैलरी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी भी वैकेंसी को यहाँ पे ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए कि मैं मध्य प्रदेश वाली वैकेंसी को ही ओपन करता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप लोग मध्य प्रदेश के अंदर किस सिटी और कहाँ पे जॉब करना चाहते हैं ये बता सकते हैं। आपकी कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि आप 10,000 चाहते हैं, 12,000, 18,000, 20,000, जॉब के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी चाहते हैं आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज़ और सेलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आप लोग ये जो सैलरी यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 15,000 ऐड किए, तो मुझे अब यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि ये 15,000 दिन का है, मंथली का है, वीकली का है कि ईयरली का है, आपको ये जरूर बताना है। यहाँ पे आप लोग मंथली बेसिस पे ही सेलेक्ट करिएगा, डेली बेसिस पे भी आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आएगा, तो आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहेंगे आपको बता देना है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि रेलवे हो गया और यहाँ पे आपको और भी डिपार्टमेंट SSC के, UPSC के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे और यहाँ से आपका ओरिजिनल चीज़ आता है, देख सकते हैं टोटल 15 पेजेस हैं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट मार्केटिंग जैसी पोस्टों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसी है यहाँ पे आपको अच्छा पर एनम का, यानी कि अगर 2,50,000 रुपये पर एनम की सैलरी पे कर रहे हैं, इसका मतलब कि 20,000 रुपये मिनिमम मंथली
भी आपको यहाँ पे सैलरी आराम से दे रहे हैं। इसके अलावा 0 से लेकर 3 ईयर का एक्सपीरियंस, यानी कि मान के चलिए कि अगर आपके पास 0 एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और आगे आने वाली वीडियोज़ की ऐसी अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के डिटेल में रिव्यू करेंगे और इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कब से चल रही है, लेकिन मैंने अभी तक केवल अर्जेंट रिक्रूटमेंट को ही कवर किया था जो कि कोरोना वायरस की वजह से आ रही थी। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि जो आप लोग वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर पे बैठ के काम करेंगे, इसके लिए ना तो कोई भी एग्ज़ाम देना होगा और ना ही कोई कठिन चयन प्रक्रिया होगी। केवल और केवल आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपके बारे में जानकारी ली जाएगी। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 5वीं क्लास से लेकर 8वीं, 10वीं, 12वीं ग्रेजुएट, जितना भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि रिलायंस कंपनी की तरफ से भी वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। उसका वीडियो आपको शाम तक या फिर यूं कहें कि आपको कल तक सुबह के टाइम पे वीडियो मिल जाएगा। ऑल इंडिया जॉब है, इस वीडियो पे रिस्पांस देखा जाएगा। अगर आप लोग 500 लाइक का टारगेट कंप्लीट करते हैं तो रिलायंस कंपनी वाली वीडियो जरूर आपके पास आएगी। ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे, कम से कम आपकी उम्र 15 से लेकर अधिक से अधिक 65 साल के बीच में है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए जो फॉर्म फीस है वो भी बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप लोगों को निःशुल्क आवेदन करने का मौका भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाने का और बेसिक से लेकर अपर लेवल की डिटेल चेकआउट करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहाँ पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख पाएंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब से 2021 के लिए NCS यानी कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए। बेसिक से लेकर अपर लेवल की जानकारी मिल जाएंगी यहाँ पे आपको। यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, वैकेंसी डिटेल, यहाँ पे वेरियस पोस्टें हैं और पोस्ट यहाँ पे आपकी वर्क फ्रॉम होम की होंगी। इसके अंदर आप लोग कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से लोकेशन से, ये मैटर करेगा कि आप कौन सी पोस्ट पर जॉब पा सकते हैं। डेट की बात करें तो आवेदन जो है तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आगे ओपन करके दिखाऊंगा कि ये जो वैकेंसीज हैं कौन सी पोस्ट के आ चुकी हैं और किस डेट के अंदर पोस्ट करी गई थी। लास्ट डेट यहाँ पे अवेलेबल सून है। कैंडिडेट की एज कम से कम 15 और अधिक से अधिक 65 साल के बीच में है तो आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जनरल OBC हो या फिर किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवारों, कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट यहां पे अपलोड कर दी गई है। क्लिक हियर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है NCS यानी कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, और कौन कौन से राज्यों से आवेदन कर पाएंगे तो ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसका प्रूफ आगे ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दूंगा, वहाँ पे सभी राज्यों की लिस्ट आ चुकी है। सैलरी यहाँ पे गुड सैलरी है, यानी कि यहाँ पे 2,50,000 रुपये पर एनम यानी कि लगभग 20 से लेकर 22,000 रुपये की मंथली स्टार्टिंग में पेमेंट आपको दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता कम से कम 5वीं पास, इसके बाद 8वीं और मैट्रिकुलेशन 10वीं, इंटरमीडिएट 12वीं, ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट, यहाँ पे कई सारी जॉब्स आ चुकी हैं। आपके अलग अलग टैलेंट, आपके अलग अलग एजुकेशन के हिसाब से आपको जॉब ऑफर करी जा रही हैं। अब बात करते हैं आप लोग आवेदन कब से लेकर कब तक कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको चलना होगा हमारे साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेस पे होगा, बिना किसी एग्जाम के, यानी कि कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होने वाली। इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट लिंक ऑप्शन है जहाँ पे आपके पास अप्लाई का लिंक मिल जाता है। जैसे ही आप लोग अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे आप लोग ncs.government.in के पेज पे आ जाएंगे। सेम प्रोसेस होगा, वर्क फ्रॉम होम है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिसिपेट फ्रॉम होम, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को बताया गया वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, यानी कि आप लोग घर पे रह के भी काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया अपकमिंग जॉब फेयर्स एंड इवेंट, और यहाँ पे साथ में यूजर मैनुअल वगैरह आपको दी गई है। अगर आप लोग इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास पूरा का पूरा जो डाटा है वो आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी जॉब अभी मई और जुलाई के बीच में यहाँ पे लिस्टेड हुई हैं। ऑल डे के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी जॉब हैं, 13 मई से लेकर 22 ऑल डे यहाँ पे आपको टाइम भी मिल जाएगा। साथ में आप लोग कैसे क्या काम करेंगे इसके बारे में डिटेल है। अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जॉब फेयर है, साथ में यहाँ पे कैरियर है, और इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्टें कितनी रहेंगी, 18 हैं, और साथ में यहाँ पे डेट और टाइम काम करने का ये भी बता दिया गया है। साथ में यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट, यानी कि कुछ जॉब ऐसी हैं जहाँ पे केवल और केवल मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं और कुछ जॉब ऐसी हैं जहाँ पे फीमेल वगैरह एलिजिबल हैं।
साथ में अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको काफी सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये तो दूसरी बात हो गई। साथ में अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आप लोग ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिसके लिए हमेशा काम कर सकते हैं यानी कि ऑल डे, तो इसके लिए यहाँ पे नीचे आना होगा, अपने स्टेट के सामने आपको वैकेंसी दिख जाएगी, आपको सेलेक्ट करना होगा। काफ़ी इजी है, वैकेंसी सेलेक्ट करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए कि मैं कंटेंट राइटर की पोस्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे 10 से 15 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ये 16/5/2021 यानी कि 16 मई के दिन जॉब आ चुकी है और इसकी आखिरी डेट 13/7/2021 यानी कि 13 मई के दिन की है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और इसी के साथ साथ आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से रीड कर सकते हैं और यहाँ पे वर्क के अंदर यानी कि वर्क फ्रॉम होम यानी कि आप लोग घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 0 है। जॉब लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे आपका जो है तो घर है। यहाँ पे आपका जेंडर प्रेफर्ड प्रेफरेंस यानी कि फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए है और यहाँ पे आपको अप्लाई की एक बटन दिख रही है। अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है तो टिक करके ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे आपका अप्लाई प्रोसेस हो जाएगा। काफ़ी इजी है, आगे हम और भी डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अब जल्दी जल्दी बैक टू बैक आप सभी के लिए वर्क फ्रॉम जॉब जितनी भी आपके लिए वीडियो आएंगी उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।